वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर न्यू हो इसको सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन को प्रेस करो। 200K का हमारा एम है, जल्दी से कंप्लीट करो ताकि हमारे 200K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो करना हो, कांटेक्ट करना हो, लिंक हम दोनों के इंस्टाग्राम के मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और कोई लिंक्स वगैरह भेजने हो तो आप वहां पर भेज सकते हो, क्योंकि यहां पर मतलब यार वो मिलते ही हैं। और यार हम पिक करते हैं लिंक, अक्सर हम जवाब देना भूल जाते हैं लेकिन लिंक हम उठा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो अपने आते हैं इंट्रो पे। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ मुबशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने लगी है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है उसी से मतलब वजाहत ही काफी कमाल की मुझे वीडियो लग रही है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है चीनी साजिश पर फूटा अरुणाचल के सीएम का गुस्सा, चीन के डैम वाली साजिश पर करारा जवाब। मतलब चीन ने कुछ अरुणाचल प्रदेश को जिस तरह चीन अपना बताता है हाँ जात, तो उस पर मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है वो बहुत गुस्से में हो गए हैं। इंडियन है ना, जाहिर बात है एक प्राउड इंडियन को बोला जाए और वो गुस्से में नहीं होगा। तो अभी देखते हैं किसी साजिश पे उन्होंने करारा जवाब इंडिया चीन को दिया। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आइडिया होगा क्या जवाब दिया। तो 3-2-1 एंड स्टार्ट। चीन साजिश करने से बाज नहीं आ रहा, चीन को अब भारत उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया। अच्छा। इसके जवाब में मोदी सरकार भी अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े डैम का निर्माण करने की योजना बना रही है, साथ ही यहां 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। भारत की इस काउंटर अटैक योजना से निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ गई होगी। इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि डैम बनाने से भारत के पास ज्यादा पानी स्टोर करने की क्षमता होगी। अच्छा। और वो चीन की किसी भी हरकत का जवाब दे सकेगा। जाहिर मतलब है चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर लगातार डैम खड़े करके भारत के खिलाफ बाढ़ वाली साजिश रचता रहा है। ऐसे में भारत सरकार का ये प्लान निसंदेह चीन को चिंता में डालेगा। वहीं इस मामले पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चीन जो भी करे लेकिन उससे अगर भारत को दिक्कत हुई तो फिर ठीक नहीं होगा। जो इंटरनेशनल वाटर जो पॉलिसी होता है उसका आधार पर खास करके हमें, क्योंकि अपना हमारा जो ये जो पोस्ट है उसमें इंटरनेशनल मैटर्स में हमको ज़्यादा कमेंट्स करने का तो नहीं है, मगर अपना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको डील करेंगे। मगर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि चाइना अपने जगह में चाहे जो भी करे हम लोगों का तो खास वहाँ पे सुनेंगे नहीं, मगर उनकी वजह से फिर अपना यहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्या जो वहाँ पे हाइड्रो पावर बनाता है तो सेफ्टी मेजर से बने कि ताकि वहाँ पे अगर कोई फ्लड हो ये हो तो वहाँ जाके फिर अपना यहाँ सियांग बेल्ट के लोग या असम के लोग हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार का मांग जो है भारत सरकार को पहले से ही पता है। एंड आई होप दैट कि ऑफिशियल जो चैनल है ब्यूरोक्रेसी अपना जो तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग जांगबो नदी की निचली धारा पर भारत से लगती सीमा के करीब चीन विशाल काय बांध बनाने की तैयारी में है। कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इस बात से समझिए कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इससे 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा करने की तैयारी है। चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों साथ ही बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तिब्बत स्वायत्त इलाके से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग कहा जाता है। इसके बाद यही नदी असम पहुंचती है जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम से होकर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। ऐसे में इस नदी पर अगर चीन साजिश करेगा तो फिर भारत और उसके पड़ोसी देश को परेशानी होनी तय है। ऐसे में भारत ने चीन के डैम वाली साजिश का काउंटर प्लान तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे अमली जामा पहनाना भी शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। इसी तरह तो ये वीडियो खत्म। तो यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन यार वजाहत चीन बहुत गलत कर रहा है और उस पे मुझे अरुणाचल प्रदेश के सीएम का बहुत जवाब मुझे जबरदस्त लगा है। वजाहत मतलब है तो यार वो बंदा देशभक्त ना, मतलब जाहिर बात है अरुणाचल वाले सारे देशभक्त ना। याद नहीं है तूने
जब चाइना ने बोला था कि मतलब हम ये हमारा मतलब हो जाए अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो उन्होंने चाइनीज एटम फेंक दिए थे अपने शॉप से। तो इससे मतलब साबित होता है कि आजाद मतलब कितने वो भी देशभक्त लोग हैं और अपने कंट्री के लिए कैसा जवाब दिया उसने, तो बहुत जबरदस्त यार। मतलब कि इंडिया को शर्म आने चाइना को शर्म आनी चाहिए, सॉरी मेरा थोड़ा बीमार भी हूँ, तो चाइना को यार शर्म अवश्य आनी चाहिए कि मतलब कि वो इतनी घटिया हरकतें कर रहा है चाइना यार। उसका जो मुझे वो ची चिंग पिंग यार उस वो वाला मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। नहीं गेम वजह से तो भी ऑनेस्ट रह के बात करूंगा, ये बहुत ही घटिया फैसला है। देख अगर होता है भारत को प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत जो इशू होगा होगा, लेकिन आगे बांग्लादेश है उसको प्रॉब्लम होगा, बांग्लादेश को होगा, भारत को होगा, मतलब साथ में और कंट्रीज है उनको होगा। मतलब मेरी पड़ोसियों पे अब मैं मानता हूँ तू पावरफुल हो गया, तो पड़ोसियों पे क्यों जोर देगा यार, मतलब नहीं करना चाहिए यार। किधर पावरफुल, भारत से ज्यादा। लेकिन यार लेकिन वो जाद मतलब इंडिया ने काउंटर प्लान जो बनाया ना वो बहुत कमाल का मुझे लगा है, क्योंकि काउंटर प्लान जो अब अगर वो काउंटर कर लेते हैं तो यार मतलब फिर वो पंगा लेने की जरूरत नहीं करेगा। और यार मतलब सल्यूट है अरुणाचल के सीएम को, उन्होंने भी काफी अच्छा जवाब दिया, बहुत करा रहा है, बहुत करा रहा है। मैं कहता हूँ कि चाइनीज न्यूज में चलना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि तुम लोगों को करारा जवाब देने वाला कोई है। सही बात है। चाइना पावर के दम पे बहुत गलत करते हैं, जब फिर पावर का दम निकलता है ना, चाइना फुसका होता है। ऑलरेडी इतना बड़ा तेरे पास एरिया है, तो जब लोग नहीं आना चाहते क्यों उनको अंदर अपने घर में। यही बात है मुबशर, यही मसले मसायल पॉलिटिक्स यार, बड़ी गंदी चीज है वही ना। और मतलब कि जब ये जोर दिखाता है पावर का, तो पावर इसकी खत्म हो जाती है चाइना की इंडिया के सामने। भाई इंडिया से मतलब इस तरह जिस फाइट में आता है तो फिर वो क्या होता है वो देख तुझे वहाँ पे पता लगा होगा, वो जून में जो फाइट हुई थी तो उसमें तुझे देख उन्होंने हाथों से मारे थे उनके पास वो मतलब रात को उन्होंने अटैक किया था। मतलब फिर भी देख किस तरह जवाब दिया था, और अब अरुणाचल प्रदेश में भी पंगा डाल रहे, साथ में और कंट्रीज में भी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है वो आजाद, तो वो मतलब उससे सूखा पड़ने के फिर किसानों को मसला, मतलब सबको मसला होगा। सही बात है, सबको मसला ही बात है, बहुत बड़ा ये गलत है यार। मतलब इसको चाहिए कि मतलब कम से कम यार अपनी लड़ाई में गरीब किसानों का तो वो न करो, और लोगों का भी यार सारी बात है। पानी की किल्लत होगी तो मतलब जो फार्मर्स हैं जो पानी उधर जाते हैं उनका होगा काफी। तो यार आप इसके बारे में क्या कहते हो, मतलब अपनी राय हमें लाजमी कॉमेंट सेक्शन में दो, कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं यार, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यार बाय।